नमस्कार, पेश है आज के मुख्य समाचार। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली उडुपी स्थित गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दी और कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। दुर्घटनावश मिसाइल चलने की घटना पर खेद प्रकट करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संसद में कहा कि सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है तथा उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की राजनीति के खिलाफ है और हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में उनके कारण पार्टी के कई सांसदों के बेटे बेटियों को टिकट नहीं मिल सका। रूसी सेना के यूक्रेन की राजधानी कीव के समीप पहुंचने पर पोलैंड, चेक गणराज्य और चेकोस्लोवाकिया के नेता युद्धग्रस्त देश के प्रति समर्थन दिखाने के लिए यूरोपीय संघ के मिशन पर मंगलवार को कीव जा रहे हैं। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2,568 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 4,29,96,062 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 33,917 रह गई है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की अगुवाई में मंगलवार को पार्टी के लोकसभा सदस्यों की यहां बैठक हुई, जिसमें संसद में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक पर धन शोधन के एक मामले में अंतरिम राहत देने और न्यायिक हिरासत में उनकी रिहाई आदेश पारित करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मंगलवार को हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। यूक्रेन और रूस के एक और दौर की वार्ता करने की योजना से कूटनीतिक बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। वहीं रूसी सेना का यूक्रेन के कई शहरों पर आक्रमण जारी है, जिससे मानवीय संकट गहरा गया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना दबदबा बरकरार रखते हुए मंगलवार को यहां ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के एक तरफा लीग मुकाबले में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया। उद्योगपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह द्वारा कुछ दिन पहले फ्यूचर समूह के कुछ स्टोर्स पर कब्जा करने के बाद Amazon.com इंक ने मंगलवार को दोनों कंपनियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और कहा कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को 27 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के पहले इंडियन प्रीमियर लीग मुकाबले से बाहर रहना पड़ सकता है, क्योंकि अब तक उनके अंगूठे में हेयरलाइन फ्रैक्चर से पूरी तरह उभरने की संभावना नहीं है। स्मार्टफोन कंपनी एप्पल ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट किया है जो आईफोन उपयोगकर्ताओं को यह सुविधा देगा कि वे चेहरे पर मास्क पहने रखते हुए भी अपने डिवाइस को अनलॉक कर सकेंगे। नमस्कार।